केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर झारखंड में घमासान शुरू हो गया है। रांची दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को दूसरों के मथे पर थोपने की कोशिश ना करे, कानून अपना काम कर रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस राज्य में सरकार हिंदुओं को दबाने की राजनीति हो रही है, धर्मांतरण जोरों पर है, लव जिहाद से हिंदुओं की लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उसकी हत्या हो रही है, वोट की खातिर झारखंड को धार्मिक उन्माद में झोंका जा रहा है। उनके आरोपों पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने करारा जवाब दिया है। जो अपने नाकामयाबी को दूसरों के मत्थों पर थोपने का काम ना करें, कानून अपना काम करता है। झारखंड जिस ढंग की राजनीति हो रही है यहाँ की सरकार का, वो हिंदुओं को बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दबाने की राजनीति हो रही है यहाँ, धर्मांतरण जोरों पे चल रहा है। मुसलमानों ने जिस ढंग से लव जिहाद करके हिंदू की लड़कियों को के साथ हत्या हुई, उन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी में हुई, उन्हीं के गिरिह जिले में हुई। गिरिराज सिंह हिंदुओं के ठेकेदार हैं क्या, वही फैसला लेंगे? ये तो पाकिस्तान भेजने वाले मंत्री, पाकिस्तान का भीसा यही काट रहे थे। ये अलग बात है कि इन्हीं के नेता जाके बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान में। झारखंड की धरती है, झारखंड की धरती पर धार्मिक विभेद पैदा करने की कोशिश न करें तो बेहतर होगा। ये सिद्धू कानू की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, शिबू सोरेन की धरती है। यहाँ सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का जो बीड़ा उठाया है माननीय हेमंत सोरेन जी ने, उसमें व्यवधान न पैदा करें और यहाँ के माटी के बेटों के हक की बात करें। जब यहाँ हक देने की बात आती है तो छत्तीसगढ़ से यह आयात करते हैं नेता को, तो झारखंडी अस्मिता से अलग हटकर इस तरह की बयानबाजी झारखंड की धरती पर न करें तो बेहतर होगा। इस प्रकार की ओछी बातें करके देश को जो लगातार राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए बांटने का प्रयास हो रहा है, यह उसी का एक नायाब नमूना है। केंद्रीय मंत्री को ये बताना चाहिए कि उनके विभाग के द्वारा झारखंड में अब तक उन्होंने क्या क्या किया है, बजाय इसके कि वो अपनी उपयोगिता साबित करते झारखंड के जनमानस के बीच में, तो झारखंड के लोगों को इस प्रकार से बांटने का घृणित कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसी ओछी बयानबाजी करके इससे इनको बाज आना चाहिए। इसी विषय को लेकर के तो कांग्रेस पार्टी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। भाई, हमारा कहना है कि नफरती राजनीति का अंत कहाँ होगा? आखिर आप इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं तो इसका अंत होना चाहिए ना। और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के द्वारा इस प्रकार से समाज और देश को बांटने की बात कही जाए तो इससे ज्यादा घृणित कार्य कोई नहीं हो सकता। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।